क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स में आपको बोलता है गिवन अलोंगसाइड साइड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग बॉडी ओके ये ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ है आपकी बुक में आप देख सकते हो ओके okay? अब यहां पर आपको पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी ये देखिए पॉइंट सी पर बॉडी की वेलोसिटी ओके okay, स्टूडेंट्स तो ध्यान से जरा चेक करिए पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है सिक्स यानी कि सिक्स सेकंड पे यहाँ से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे ऐसे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम कितना है ना पॉइंट सी के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो सिक्स यानी कि सिक्स सेकंड पे आपको वेलोसिटी पूछ रहा है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं पॉइंट सी से वेलोसिटी वाले एक्सेस पे ये देखिए वलास्टी पॉइंट सी से वेलोसिटी वाले एक्सेस परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये ऐसे ये देखिए इस तरीके से मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ येलो कलर से ओके

पॉइंट सी पे वेलोसिटी आपकी कितनी 40 किलोमीटर पर आ रही है तो बहुत इजी है कुछ नहीं करना है इसमें नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका ओके सेकेंड पार्ट देखिए कह रहा है एक्सलेशन एक्स एक्सलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी अब ध्यान दे बच्चे ये देखिए ए से बी तक इसको मैं डार्क कर लू ग्राफ तो आप देख ही रहे हो है ना ए से बी तक चलिए इसको मैं येलो कलर से कर लेता हूँ ये वाला जो ग्राफ का पोर्शन है आपका ए बी ये ये वाला जो पोर्शन है ओके okay? इस पोर्शन में आपको क्या बताना है ए टू बी यहां पर आपको बॉडी का एक्सीलरेशन बताना है ओके okay, स्टूडेंट्स अब ध्यान दें बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसे निकाला जाता है तो जिनको नहीं पता है अपनी कॉपी में नोट करें बच्चे क्या कि स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन ओके गिव गिव्स एक्सेलरेशन ओके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या बताता है एक्सलोरेशन बताता है ओके okay स्टूडेंट्स तो ए से बी तक का स्लोप कैसे निकालेंगे ये हमने आपको कई बार बताया जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान से चेक करिए देखिए आप बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सेस पे ठीक और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, करो ये जो बी से आपने टाइम एक्सेस पे परपेंडिकुलर पर 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 ड्रॉ किया है तो इसी तरीके से ए से इधर एक परपेंडिकुलर पर ड्रॉ करो ये देखिए इस तरीके से ठीक तो ये वाली जो लाइन है आपकी ये वाला पॉइंट है कुछ इस पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम रख दीजिए लडर से ये पॉइंट एम है ओके स्टूडेंट्स तो आपने कुछ नहीं किया फिर से दिखा रहा हूँ ए से बी ये ग्राफ था पॉइंट बी से आपने टाइम एक्सेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ए से ये वाली जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपको एक ट्राइंगल दिखाई पड़ेगा ट्राइंगल ए एम ए इस ट्राइंगल ए एम ए में आप स्लोप निकाल लीजिए स्लोप का मतलब ये वाला एंगल ये जो एंगल है यही क्या होता है आपका स्लोप होता है ठीक और यही आपको क्या बताएगा एक्सुलेशन को बताएगा ठीक तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है ठीक है स्टूडेंट्स स्लोप का कई क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं स्लोप कैसे निकालते हैं स्लोप होता है एक्सुलेशन के इक्वल है ना और स्लोप निकालते कैसे हैं स्लोप निकालते हैं परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाय बेस अब आप देख लीजिए जाके कौन सा ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल ए बी एम में परपेंडिकुलर कितना है बी एम ओके और बेस कितना है ए से लेके एम तक यानी कि ए एम ओके स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस अब परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है ये आप कैसे पता करोगे देखिए यहाँ से बी से ये थ्री लिखा हुआ है ठीक है ना बी से लेके ये वाला जो पॉइंट है पूरा लडत से ये वाला पॉइंट क्या है सी है मान लो ये वाला पॉइंट सी तो बी से सी तक की ये पूरी लेंथ कितनी हो गई तो ये आप सामने से जाके देख सकते हो ये देखिए ये जितनी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की उतनी लेंथ ये होगी अब ये जीरो से लेके कितना है फोर्टी है ये वाला लेंथ तो ये भी कितना हो जाएगा आपका फोर्टी ये लीजिए ये हो गया आपका फोर्टी ओके okay, ये हो गया फोर्टी अब ए से लेके और ये वाला पॉइंट ओ है सपोज ठीक ए से ये ए है यहाँ पर ए ठीक है तो ए से ओ तक कितना है जीरो से ट्वेंटी ए से ओ कितना है ट्वेंटी है ठीक तो एम से सी तक कितना हो जाएगा ट्वेंटी इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ यहाँ पे ये देखिए ये एम से लेके सी तक हो गया आपका ट्वेंटी अब बताओ बी से सी तक हो गया फोर्टी एम से सी तक हो गया ट्वेंटी एम से सी ट्वेंटी क्यों है? क्योंकि सामने भी कितना है ट्वेंटी है ये देखिए ठीक ये ट्वेंटी ये ट्वेंटी तो फोर्टी में से आप क्या करोगे ट्वेंटी माइनस करोगे तो बी आ जाएगा यानी कि बी कितना आ जाएगा ट्वेंटी ये लीजिए बी भी कितना आ गया ट्वेंटी भाई चेक कर लो ये पूरा कितना है फोर्टी एम सी कितना है ट्वेंटी फोर्टी में से ट्वेंटी माइनस करोगे तो बी एम आ जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर कितना आ गया ट्वेंटी <coughs> अब ये जो 20 है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ध्यान से चेक करो y एक्सेस पे यूनिट क्या है क्योंकि भाई ये बी आपको कहां से मिला है y एक्स से ना ओके तो ये देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट लेंथ कैसे लोगे ये ऐसे एक फिंगर बी पे रखो एक एम पे रखो और सामने लेके आओ इस तरीके से ये देखिए यहाँ कितना मिल रहा है फोर्टी यहाँ कितना मिल रहा है ट्वेंटी फोर्टी माइनस ट्वेंटी कर दो फोर्टी माइनस ट्वेंटी कितना आएगा ट्वेंटी तो ये वाली लेंथ कितनी होगी ट्वेंटी तो ये भी लेंथ कितनी होगी ट्वेंटी क्योंकि भाई देखो ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फोर्टी है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ट्वेंटी फोर्टी माइनस ट्वेंटी कितना होगा गया ट्वेंटी बी एम कितना हो गया ट्वेंटी ओके ट्वेंटी क्या क्योंकि वाई एक्स से मिला है वाई एक्स एस पे क्या है वेलोसिटी वेलोसिटी की यूनिट क्या है किलोमीटर पर आर तो हम लिखेंगे ट्वेंटी कि किलोमीटर पर आर और डिवाइडेड बाय नीचे बेस बेस ए से एम तक ये ए है ये वाला पॉइंट ए है और ये है ए एम कितना है अब आप बहुत ईजीली देख सकते हो यहाँ से ए एम यहाँ से ये देखिए ये आपका ए एम है ये पूरा जीरो से थ्री कितना सेकेंड हो गया सेकेंड नहीं है आर में दिया है टाइम ये थ्री है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका ए एम भी कितना हो जाएगा थ्री आर तो ए एम की जगह हमने क्या रख दिया थ्री आर्स ओके स्टूडेंट्स थ्री आरस अब ये वाला आर नीचे आएगा मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ से आएगा ट्वेंटी डिवाइडेड बाय थ्री और ऊपर बची जाएगा आपके पास किलोमीटर अपऑन में ये आर नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा आर में आर इंटू आर आर स्क्वायर ओके okay? जैसे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है वैसे आर इंटू आर आर स्क्वायर किलोमीटर पर आर स्क्वायर सो ट्वेंटी बाय थ्री किलोमीटर पर आर स्क्वायर ओके okay? ये हो गया इसका स्लोप यानी कि ए से बी तक ये ए बी लाइन का क्या हो गया स्लोप हो गया ए बी लाइन का स्लोप ही आपको क्या देगा एक्सलेशन तो ये आ गया एक्सलेशन ट्वेंटी बाई थ्री अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए ओके ट्वेंटी को थ्री से डिवाइड करिए चलिए डिवाइड करते हैं ट्वेंटी डिवाइडेड बाई थ्री ओके स्टूडेंट्स थ्री सिक्सा कितना हो जाएगा एटीन ट्वेंटी माइनस एटीन टू डेस्मल लगाओगे जीरो बढ़ाओगे फिर थ्री सिक्सा एटीन ओके फिर टू बचेगा डेस्मल की हेल्प से जीरो थ्री सिक्सा कितना हो जाएगा एटीन ओके okay, तो ट्वेंटी के नीचे यहाँ एटीन आएगा ट्वेंटी माइनस एटीन टू हो जाएगा डेसिमल की हेल्प से जीरो फिर से सिक्स इस तरीके से आपको सिक्स पॉइंट सिक्स 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 मिलता चला जाएगा ओके okay? तो डेसिमल के थ्री प्लेसेस तक निकाल लीजिए और उसके बाद इसको राउंड ऑफ कर देंगे यानी कि कितना आ गया सिक्स पॉइंट सिक्स 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 किलोमीटर पर आर स्क्वायर ओके तो उसको आप राउंड ऑफ करोगे कैसे राउंड ऑफ करते हैं लास्ट में अगर डिजिट फाइव से ग्रेटर है लास्ट में जो नंबर अगर फाइव से ग्रेटर है तो इसके आगे वाले डिजिट में वन ऐड कर देते हैं तो लास्ट में क्या है सिक्स जो कि फाइव से ग्रेटर है तो इसके प्रीवियस डिजिट में सिक्स से पहले वाले नंबर में सिक्स है सिक्स में वन ऐड करो सेवन तो कितना आ जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन ये हमने इसको डेसिमल के टू प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया पहले डेसिमल के वन टू थ्री प्लेस तक था अब हमने इसको डेसिमल के टू प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया ओके okay? नाउ कितना आ गया किलोमीटर पर आर स्क्वायर तो ये हो गया पार्ट ए का आंसर ओके okay, स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हो सो वेलॉसिटी ऑफ द बॉडी नहीं पार्ट ए नहीं है पार्ट सेकंड है एक्सलेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी इज तो कहाँ पे लिख दें इसको कलर चेंज करके लिख दें चलो यहां पे पार्ट बी का आंसर आ गया एक्सलेशन कितना आया ए से बी के बीच का सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन किलोमीटर पर आर स्क्वायर ओके ये चीज है ओके okay? नाउ इतना पहले सभी बच्चे कॉपी कर लीजिए इतना स्टूडेंट्स कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके इतना कॉपी करिए फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ कॉपी कर लीजिए आपकी बुक में सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स आ रहा है कोई बात नहीं है थ्री प्लेस तक निकाल के मैंने टू प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन आ जाएगा कोई इशू नहीं है ओके नोट करें फटाफट इसको अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्यों नहीं चेंज कर रहे हो नहीं करेंगे क्यों क्योंकि आपका जो ग्राफ में जो यूनिट्स दी हुई हैं ग्राफ में वेलोसिटी की यूनिट किलोमीटर पर आर टाइम की आर तो एक्सलेशन की यूनिट किलोमीटर पर आर स्क्वायर आएगी क्योंकि ग्राफ की हेल्प से निकालना है तो ग्राफ में जो यूनिट दिया आपको वही फॉलो करना है ओके नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके बच्चे नोट कर लें वीडियो पॉज करके नोट करें बच्चे कर लिया चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका ओके okay, स्टूडेंट्स तो थर्ड पार्ट जब आप देखोगे थर्ड पार्ट में आपको बोल रहा है एक्सेलरेशन आपको निकालना है ऑन द बॉडी बिटवीन पॉइंट एक्सेलरेशन निकालना है आपको बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी ओके तो बी और ये पार्ट टू का आंसर भी चला गया चलो कोई बात नहीं है ओके okay? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ग्राफ चला जाएगा नो no, ग्राफ नहीं जाएगा बच्चों देखो मैजिक ग्राफ आ गया ओके <laughs> देखो अब ध्यान से चेक करो बच्चों यहाँ पर थर्ड पार्ट एक्सलेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन बी एंड सी ओके तो बी और सी के बीच में एक्सलेशन अब बताओ ये बी से सी तक का जो ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है इसका स्लोप कितना है जीरो इसका स्लोप कितना है जीरो है कि नहीं है ठीक भाई मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लासेस में कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सेस यानी कि टाइम एक्स के पैरल आता है तो उसका स्लोप कितना होता है जीरो भाई चेक कर लो स्लोप क्या होता है एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है ये देखिए ये ये जो एंगल होता है यही स्लोप होता है तो टाइम एक्सेस के साथ इसका तो कुछ ना कुछ स्लोप था जो कि हमने निकाल लिया ठीक इसका अगर कोई लाइन टाइम एक्सेस के पैरल हो जाए ये देखिए तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा जीरो स्लोप कितना हो जाएगा इसका ज़ीरो तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा इसका जीरो ठीक तो बस पार्ट थर्ड का आंसर कितना आ गया पार्ट थर्ड का आंसर आ गया क्या एक्सक्लेशन बी से सी तक कितना है एक्सलेशन बी से सी तक कितना है बी से सी तक ये एक्सलेशन कितना है ज़ीरो है अब इसको करने का एक और तरीका है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखो ध्यान से आपने एक्सक्लेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ओके तो इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये आएगा थ्री आर पे और सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यह आएगा कहाँ सिक्स पे अब देखो सी से पहले लेते हैं ठीक तो सी से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कहाँ y एक्सेस पे तो आपको कितना मिलेगा 40 यानी कि जब बॉडी सिक्स आर पे मतलब c का रेस्पोंडिंग जो टाइम है सिक्स आर ठीक है जब सिक्स से निकल चुके हैं तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी है 40 है और चेक कब से किया गया है जब थ्री आर्स खत्म हो चुके हैं जब से थ्री आर से सिक्स आर्स के बीच में चेक किया गया ना मोशन तो थ्री आर के करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा बी और बी के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कौन सी फोर्टी यानी कि जब तीन घंटे निकल चुके थे तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी फोर्टी ठीक और आपने थ्री से ही स्टार्ट किया है भाई बी से सी के बीच में पूछ रहा है ना तो थ्री से सिक्स के बीच में आप बात करोगे यानी कि तीन घंटे खत्म हो चुके हैं फोर्थ आर अब स्टार्ट हो गया है फोर्थ से लेकर सिक्स आर के, के बीच की बात कर रहा है वो कि कितना है तो वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही देख लो जब थ्री आर एंड हो चुका फोर्थ आर स्टार्ट हो रहा है थ्री के बाद में तो वेलोसिटी हर एक बार कितनी फोर्टी फर्टी 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 भाई भरोसा नहीं चेक कर लो फोर आर पे भी वेलोसिटी कितनी फोर्टी फाइव पे भी कितनी फोर्टी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है ठीक तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है ठीक है बहरहाल मोटी मोटी बात मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पर देखिए किस तरीके से करेंगे यहाँ पर बी से सी तक की बात करनी यहाँ से सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वाई एक्स पे तो ये फाइनल वेलोसिटी है वी कितनी है फोर्टी क्योंकि सी के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है सिक्स है और सिक्स पे वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी और थ्री पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी तो थ्री के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है फोर्टी तो यू भी कितना हो गया फोर्टी किलोमीटर पर आर किलोमीटर पर आर किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर ओके okay? और टाइम कितना हो गया थ्री से सिक्स के बीच में वन टू थ्री थ्री आवर्स यानी कि टाइम कितना हो गया थ्री आवर्स तो रख दीजिए वैल्यू नीचे टाइम हो गया थ्री आवर्स ओके और वी फाइनल वेलोसिटी कितनी है फोर्टी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है फोर्टी सो so, 40 माइनस फोर्टी ऊपर हो जाएगा जीरो 40 माइनस फर्टी क्या मीटर पर सेकंड ओके क्योंकि ऊपर चेंज इन वेलोसिटी है चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड ठीक 40 माइनस फोर्टी जीरो मीटर पर सेकंड ऊपर हो गया मीटर पर सेकंड नहीं आई एम वेरी सॉरी मीटर किलोमीटर पर आर किलोमीटर पर आर मीटर पर सेकेंड में नहीं दिया है वालासटी किलोमीटर पर आर ओके okay? सो so, किलोमीटर पर आर हो गया ऊपर नीचे हो गया आर तो जीरो किलोमीटर पर आर डिवाइडेड बाय थ्री आर ये वाला आर नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा जीरो अपॉन थ्री कितना होता है जीरो जीरो अपॉन समथिंग जीरो जीरो किलोमीटर अपॉन में क्या आ जाएगा आर इंटू आर क्या होता है आर स्क्वायर ये लीजिए जीरो किलोमीटर पर आर स्क्वायर आ गया एक्लेशन तो ये आप लिख दो हालांकि एक्स्कोलेशन जीरो आ रहा है बट कोई बात नहीं आप आगे यूनिट जरूर लिखें ओके ये हो गया अब देखो सीधी सी बात है सीधी सी बात है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो आपका एक्लोलोरेशन है ठीक एक्शन क्या होता है चेंज वेलोसिटी अब थ्री आर से सिक्स आर तक कोई वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ फोर्टी 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 किसी भी टाइम पे ले लो थ्री और फोर के बीच में थ्री पॉइंट फाइव आर होगा ये यहाँ से एक वाई एक्सेस के पहले लाइन डॉक्ट करो ये वाला पॉइंट मिलेगा ग्राफ पे इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है फोर्टी ठीक है फोर पॉइंट फाइव आर पे वेलोसिटी कितनी है फोर्टी अब आई थिंक समझ में आया होगा वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही है इसकी तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एस्कुलेशन कितना होगा जीरो जैसे बोलना है वैसे बोल दो आप कि इसका स्लोप कितना है जीरो क्योंकि ये टाइम एक्सेस के क्या है पैरेलल है ऐसे बोल दो कि इसका स्लोप जीरो है इसलिए एक्सोलेशन जीरो क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है एक्सोलेशन बताता है ओके स्टूडेंट्स तो ये आपका है एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ग्राफ में आपकी नॉलेज के लिए हालांकि मैंने कई बार आपको कई बार तो नहीं एक दो बार मैंने आपको शायद बताया है यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अगर तो आपका स्लोप में एंगल कितना आ रहा है एक्यूट एंगल ठीक जब आप स्लोप निकाल रहे हो और स्लोप निकालते टाइम एंगल अगर आपको कैसा दिख जाए एक्यूट एंगल एक्यूट क्या होता है 90 से छोटा लेस देन नाइन्टी डिग्री है ना यानी कि जीरो से बड़ा नाइन्टी से छोटा एंगल अगर दिख जाए ठीक तब तो आपका एक्सप्लोरेशन कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा ठीक और दूसरा है कि अगर आपको स्लोप मिल जाए कितना जीरो यानी कि जो ग्राफ है पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाए पैरेलल ये पैरेलल का साइन है लिख देता हूं भाई लिख देता हूं अगर आपका स्लोप क्या हो जाए पैरेलल टू टाइम एक्सेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पैरल टू टाइम एक्सेस हो जाए ठीक है तो स्लोप जीरो होता है यानी कि एक्सकुलेशन हो जाएगा ज़ीरो उस टाइम और थर्ड आपको नोट करना है कि अगर आपको स्लोप निकालते टाइम एंगल का फील आ जाए ग्रेटर देन 90 90 से बड़ा अगर एंगल आपको फील आ रहा हो तो आपका एस्कलेशन कैसा आएगा नेगेटिव आएगा यानी कि बॉडी में ब्रेक लग रहे हैं और बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही होगी ठीक याद रखिएगा अब ये बात मैंने क्यों बताई आइए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ग्राफ में आंसर तो आ ही गया बट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो यहां से यहाँ तक का स्लोप कैसा है पॉजिटिव है ए से बी तक का देख लो क्यों सर जब आपने ये वाला ट्राइंगल कंप्लीट किया था यहाँ पे तो ये वाले एंगल का फील कैसा था बताओ ये वाले एंगल का फील कैसा था आपका ये एंगल भाई चेक कर लो इतना तो आपको पता है ये एक्यूट एंगल है कि नहीं इतना तो पहचानते हो पक्का 90 से छोटा है क्योंकि 90 तो ऐसा होता है ना ये 90 होता है ठीक ओके तो ये 90 से छोटा था इसलिए a से b के लिए आपका जो एक्सीलरेशन आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था याद है आपको एक्सीलरेशन कैसा आ रहा था आपका यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा था a की वैल्यू प्लस +6.67 किलोमीटर पर आर स्क्वायर ओके ये चीज थी ओके स्टूडेंट्स ओके इसके बाद b से c तक के लिए ये देखिए ये पैरेलल था x एक्सिस के तो स्लोप कितना आया था जीरो यानी कि एक्सलेशन कितना है जीरो और जो मैं खास बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ ये बताना चाहता हूँ कि जब आप सी से डी तक के लिए चेक करेंगे ये वाला ये देखिए ये सी से डी तक के लिए जब आप चेक करोगे ठीक तो ये सी से डी का टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल है हालांकि यहाँ पे आपको टाइम एक्सेस के साथ एंगल नहीं मिला कोई बात नहीं बट टाइम एक्सेस के पैरल जो ये वाली लाइन है इसके साथ एंगल मिल रहा था यहाँ से फील ले लिया आपने अब यहाँ से फील लो ये देखिए इसका जो एंगल है ये टाइम एक्सेस के साथ कैसा है ऑप्टिवज़ है कि नहीं बताओ ऑप्टिवज है ऑप्टिवज़ है कि नहीं ये तो ऑप्टिज़ हो गया ऑप्टिज़ अगर वो हमसे पूछ लेता कि सी से डी तक का एक्सक्लेशन कैसा होगा तो वो आपका नेगेटिव आएगा कैसा आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा आपको मैं करके भी चलो लगे हाथ दिखाई देता हूँ यहाँ पर कि एक्सलेशन हमारा कितना आएगा सी से डी के लिए ओके क्योंकि एंगल कैसा है यहाँ पर एंगल का मतलब जो ग्राफ आ रहा है उसका स्लोप स्लोप कहाँ से निकालते हैं पॉजिटिव टाइम एक्सेस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव टाइम एक्सेस है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको देखना है कि हमारा ग्राफ कितना स्लोप बना रहा है ओके सो so, कॉन्सेप्ट हम अपने क्लियर कर लेते हैं सारे के सारे ठीक तो ये एंगल ऑप्ट्यूज़ था ऑब ट्यूज़ ऑपट्यूज़ नाइन्टी से बड़ा इतना तो आपको पता है ये हो गया ऐसे नाइन्टी और ये हो जाएगा नाइन्टी कहाँ गया भाई कलर चेंज करो ये देखो ये हो गया कितना नाइन्टी और ऐसा कोई एंगल है तो नाइन्टी से बड़ा ठीक तो नाइन्टी से बड़ा एंगल हो गया ठीक अब देखो सी से डी तक के लिए अगर वो पूछता तो आप चेक कर लीजिए कुछ नहीं करना है यहाँ से देखिए किस तरीके से सी के करस्पॉन्डिंग और डी के करस्पॉन्डिंग ठीक देखो डी के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी जीरो किलोमीटर पर आर और सी के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी है फोर्टी सी से डी तक बोला है ना उसने ठीक तो सी इनिशियल पॉइंट है आपका मतलब सी जो भी पॉइंट है वो सी इस ग्राफ का जो भी पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वाला पॉइंट है तो यहाँ सी से वाई एक्स पे पर परपर्टिकुलर ड्रॉ करो कितना आएगा फोर्टी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी फोर्टी किलोमीटर पर आर और डी के करस्पॉन्डिंग डी से वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जीरो मिलेगा आपको तो फाइनल लॉस्टी कितनी है जीरो है और सी से डी जाने में टाइम कितना लगा है सी से एक परपेंडिकुलर डालोगे एक्स एक्सएस पे तो सिक्स आर और डी पे सिर्फ एक्स एक्सएस पे परपेंडिकुलर पर डालोगे तो यही मिलेगा आपको यही पॉइंट मिल जाएगा ठीक है ना तो ये टाइम इंटरवल कितना आ रहा है सिक्स से एट आर वन यूनिट ये वन यूनिट ये ये देख लो वन यूनिट ये और वन यूनिट ये टोटल हो गया टू आर ठीक सो टाइम हो गया यहाँ पे कितना टू आर और अगर आप यहाँ पे एक्सलेशन निकालोगे ए इज इक्वल्स टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी ओके तो v कितना है v कितना है ज़ीरो माइनस यू कितना है फोर्टी डिवाइडेड बाई टाइम कितना है टू तो माइनस ट्वेंटी जीरो माइनस फोर्टी माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू कितना आएगा माइनस टेन क्या किलोमीटर पर आर स्क्वायर ये लो यानी कि बॉडी की जो वेलासिटी है वो टेन किलोमीटर पर आर पर आर के रेट से इंक्रीज सॉरी डिक्रीज कर रही है माइनस साइन ये बता रहा है तभी तो बॉडी रेस्ट पे आ गई ठीक है जैसे ही सिक्स आर कंप्लीट हुआ बॉडी में ब्रेक लगना शुरू हुआ और बॉडी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो रही हो रही हो रही और ये देखिए एट आर दो घंटे के बाद रेस्ट पे आ गई क्योंकि बॉडी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है पॉइंट डी पे जीरो ठीक है ये चीज़ हो गई अच्छा तो मैं कैसे करता हूँ मैं अपना आपको बता दूँ मैं तो ऐसे करता हूँ बस मैं पहले स्लोप चेक कर लेता हूँ स्लोप कैसा आ रहा है मतलब एंगल कैसा है ऑप्टिवज़ यानी कि स्लोप नेगेटिव आएगा तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ कैसे ये सी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ये देखिए ये ट्रैंगल तैयार हो गया है ना और इस ट्रैगल में स्लोप कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस ये लोग क्या दिक्कत है परपेंडिकुलर ये कितना है पूरा ये कितना है फोटी ओके तो मैं तो डायरेक्ट निकाल लेता हूँ स्लोप निकाल लिया और वही क्या होगा एस्क्रेशन और आंसर कैसा आएगा इस बार माइनस में क्योंकि ये जो एंगल मिल रहा है टाइम एक्सेस के साथ ये ऑप्टिवज है इसलिए माइनस पहले ही लगा दो आप ठीक तो स्लोप बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस ट्राइंगल में ट्राइंगल सी ये वाला जो है ये वाले पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम है कुछ भी नाम रख दो इसका एम ओके okay? तो ट्राइंगल सी एम डी में परपेंडिकुलर कितना है सी से एम तक सी से एम तक कितना है फोर्टी तो परपेंडिकुलर बाय बेस बेस कितना है ये एम से लेके डी तक ये टू रहा है लो आंसर कितना आ गया माइनस टेन माइनस टेन नहीं यहां पे कुछ गलती हुई है यहां पे देखो बच्चों गलती हो गई थी आई एम वेरी सॉरी जीरो माइनस फोर्टी कितना होता है माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी बाई टू माइनस ट्वेंटी आना चाहिए था ठीक माइनस ट्वेंटी किलोमीटर पर आर स्क्वायर यहाँ से निकालोगे पर पेंटिकलर बाई बेस तो माइनस ट्वेंटी किलोमीटर पर आर स्क्वायर ये सी से डी तक की कहानी भी मैंने आपको बता दी एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है तो सी से डी तक का एस्कोलेशन कैसा है नेगेटिव है माइनस ट्वेंटी किलोमीटर पर आर स्क्वायर नोट कर लीजिए